हेलो फ्रेंड्स, म्यूज़िक थियरी लेसन्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुराने वीडियो में बताए गए चार पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुने। वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी और विवादी स्वर, यह चार ऐसे स्वर हैं। जब भी हम किसी राग विशेष की बात करते हैं तो इन चारों का अध्ययन करना थियोरेटिकल पार्ट्स के तहत बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस टॉपिक। आप देखें कि सबसे पहले हम बोर्ड पे लिखे हैं वादी स्वर। वादी स्वर हमारा एक ऐसा स्वर होता है कि हम किसी अगर राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट बनाएँ तो वादी हमारा एक ऐसा स्वर होता है जिस स्वर को हम राजा का दर्जा देते हैं। इसका मतलब ये है कि राग में प्रयुक्त होने वाले वादी स्वर को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप म्यूज़िक के दृष्टिकोण से समझें तो वादी एक ऐसा स्वर होता है, राग में प्रयुक्त होने वाला वादी एक ऐसा स्वर होता है जिस पे हम सबसे ज़्यादा ठहराव करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है संवादी। संवादी एक ऐसा स्वर होता है जिसको हम किसी भी राज्य में मंत्री का दर्जा देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि राग में प्रयुक्त होने वाला जो संवादी स्वर है उसका इम्पॉर्टेंस वादी से थोड़ा कम लेकिन और सभी स्वरों से ज़्यादा होता है। तीसरा हमारा स्वर है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर को राग में प्रजा का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह तीसरे स्वर का इम्पॉर्टेंस वादी स्वर, संवादी स्वर से थोड़ा कम लेकिन चौथे स्वर से ज़्यादा होता है। लास्ट फोर्थ हमारा जो स्वर है वह है विवादी स्वर। विवादी स्वर एक ऐसा स्वर है जब भी यह किसी राग विशेष में प्रयोग होता है तो उस राग का स्वरूप चेंज करने की क्षमता रखता है। विवादी स्वर को किसी भी राज्य में या राग रूपी राज्य में दुश्मन का दर्जा दिया जाता है। यह जब भी प्रयुक्त होगा तो कोई न कोई विवाद पैदा करेगा। उस राग का कॉन्सेप्ट, उस राग का स्वरूप, उस राग का रूप चेंज करने की क्षमता रखेगा। तो आशा करता हूँ ये चार टॉपिक, ये चार पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आप। तो अगले वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।